नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 10 मार्च 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्या स्नूर फॉरेस्ट डिजीज के बारे में है, क्या कंटेस्ट है, प्रपोजल ये है इस डिजीज के ऊपर रिसर्च करने के लिए एक सेंटर इस्टेब्लिश किया जाए कर्नाटक के शहर सागर में। बात करें हम क्या स्नूर फॉरेस्ट डिजीज के बारे में, ये देखो होता है क्यास्नूर फॉरेस्ट डिजीज वायरस की वजह से। ये वायरस जो है KFD वायरस, ये फ्लेविविरिडे वायरस फैमिली का एक मेंबर है। सबसे पहले इस डिजीज़ को आइडेंटिफाई किया गया था 1957 में एक बीमार बंदर में। अब देखो हर साल 400 से लेके 500 लोगों को ये डिजीज़ हो जाता है। शुरुआत में सिर्फ कर्नाटक में इस डिजीज़ के मामले रिपोर्ट किए गए थे, लेकिन बाद में ये जो डिजीज़ है दूसरे स्टेट्स में भी फैल गया। सबसे पहले चूंकि देखो बंदर में ये डिजीज़ रिपोर्ट किया गया था, तो लोकल लोगों के द्वारा इस डिजीज़ को मंकी फीवर के नाम से भी जाना जाता है। ये डिजीज़ देखो एक टिक के काटने से होता है, ये जो पिस्सू है, पिस्सू से वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है एनिमल्स में या फिर ह्यूमन बीइंग्स में। इवन अगर इस वायरस ने किसी एनिमल को इन्फेक्ट किया है, मान लीजिए कोई बंदर है वो इस वायरस से इन्फेक्ट हो गया है, तो उस इन्फेक्टेड बंदर से वायरस जो है ह्यूमन बीइंग्स में ट्रांसमिट कर सकता है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, 3 से लेके 8 दिनों के बाद इस वायरस के इन्फेक्शन के सिम्टम्स दिखने स्टार्ट होते हैं। ठंड लगती है, बुखार होता है, सरदर्द होता है, मसल में पेन होता है, उल्टी आती है, पेट और इंटेस्टिनल संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं, खून भी आ सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं वायरस के इन्फेक्शन के, जिसका नाम है क्यास्नूर फॉरेस्ट डिजीज वायरस, जिसकी वजह से ये डिजीज़ होता है। कई बार देखो एकदम से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, RBC और WBC काउंट भी कम हो जाता है। स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट नहीं है इस डिजीज़ के इलाज के लिए, सिम्टम्स देखकर डॉक्टर इलाज करता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया क्यास्नूर फॉरेस्ट डिजीज़ के बारे में। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल किरण स्कीम से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट कुछ खास नहीं है, PIB में एक आर्टिकल आया था किरण स्कीम के लिए फंड्स एलोकेशन से संबंधित। किरण स्कीम देखो साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है साइंस में वुमेन को प्रमोट करने के लिए। देखो 2014 से पहले साइंस में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं अपना करियर इस्टेब्लिश करें, ये इंश्योर करने के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स चल रही थी। लेकिन 2014 में क्या हुआ, इन सभी स्कीम्स को मर्ज करके एक अम्ब्रेला स्कीम बना दी गई, जिसका नाम है किरण स्कीम। पूरा नाम आपने जान लिया, नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग। क्या मकसद है इस स्कीम का, मतलब किस चीज़ पे फोकस करती है ये स्कीम? देखो इस अम्ब्रेला स्कीम के अंदर काफ़ी सारी वुमन एक्सक्लूसिव स्कीम्स हैं। ये स्कीम इस बात पर फोकस करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना करियर इस्टेब्लिश करें, मतलब वो रिसर्च करें। होता क्या है, बहुत सी महिलाएं शुरुआत में साइंस के क्षेत्र में रिसर्च करना स्टार्ट करती हैं, लेकिन जेंडर संबंधित प्रॉब्लम्स की वजह से, फॉर एग्जांपल बच्चे के जन्म के बाद छुट्टी ले ली, तो वो गैप जो है वो बड़ा हो जाता है, करियर जो है वुमन रिसर्चर्स का छूट जाता है। तो ऐसी महिलाएँ फिर से मेन स्ट्रीम रिसर्च को ज्वाइन करें, इस बात पर भी फोकस करती है किरण स्कीम। मतलब मेन एसेंस इस स्कीम का यही है, साइंस में वुमन को प्रमोट करना, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं साइंस के क्षेत्र में अपना करियर इस्टेब्लिश करें, खास करके रिसर्च के क्षेत्र में। और वैसे ये स्कीम ऐसे सॉल्यूशंस को लाने पर भी फोकस करती है जिससे महिलाओं को सोशली फायदा हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित ऐसे सॉल्यूशंस जिससे महिलाएं सोसाइटी में ज़्यादा इम्पावर हों, उनका ज़्यादा सशक्तिकरण हो। ये जो वुमन साइंटिस्ट स्कीम है, ये देखो किरण स्कीम का ही पार्ट है। वुमन साइंटिस्ट स्कीम क्या करती है, देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो क्वालिफाइड वुमन हैं उनके द्वारा
जिन चैलेंजेस का सामना किया जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण, उन चैलेंजेस को एड्रेस किया जाता है इस वुमन साइंटिस्ट स्कीम के द्वारा, यानी WOS। इस वुमन साइंटिस्ट स्कीम के दो कंपोनेंट्स जो हैं WOSA एंड WOSB, इन दोनों को डायरेक्टली इंप्लीमेंट किया जाता है किरण डिवीजन के द्वारा, जबकि तीसरा जो कंपोनेंट है WOSC, इसको इंप्लीमेंट किया जाता है TFEC के द्वारा। TFEC क्या है? टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। ये देखो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक ऑटोनोमस बॉडी है, समझ गए। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मदद देता है, ग्रांट इन एड देता है, और इंप्लीमेंट किया जाता है तीसरे कंपोनेंट को TFEC के द्वारा। TFEC एक ऑटोनोमस बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स से संबंधित है। ये इंडेक्स देखो रिसेंटली रिलीज किया गया UN डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, UNDP के द्वारा। तो UPSC क्वेश्चन पूछ सकती है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये इंडेक्स रिलीज किया गया है। है क्या ये इंडेक्स? ये इंडेक्स देखो मेजर करता है कैसे सोशल बिलीफ्स जो हैं वो रुकावट डालते हैं जेंडर इक्वलिटी में। सोशल बिलीफ्स जैसे देखो, महिलाओं का पॉलिटिक्स में कोई काम नहीं है, महिलाओं को घर में रहना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, महिलाओं को एक लेवल के बाद एजुकेशन नहीं दिलवानी चाहिए। ये जो सोशल बिलीफ्स है ना, ये बहुत बड़ी बाधा है जेंडर इक्वलिटी में। इस इंडेक्स को प्रिपेयर करने में 75 कंट्रीज से डेटा लिया गया, जो कि वर्ल्ड की 80% पॉपुलेशन को कवर करते हैं। इंडेक्स से ये भी पता लगता है कि कौन कौन से इनविजिबल बैरियर्स हैं जो वुमेन फेस करती हैं इक्वलिटी को अचीव करने में। इनविजिबल बैरियर मतलब वो बैरियर जो हैं, मौजूद हैं लेकिन दिखते नहीं हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो कॉरपोरेट वर्ल्ड में बहुत कम महिलाएं टॉप पर हैं। इस फेनोमेनन को नाम दिया जाता है ग्लास सीलिंग। जैसे आपने कई बार इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में यह पढ़ा होगा, जब कोई महिला टॉप पर पहुंचती है तो इस प्रकार की लाइन लिखी जाती है कि इस महिला ने ग्लास सीलिंग को तोड़ दिया। ये ग्लास सीलिंग ऐसी सीलिंग होती है, ऐसी रुकावट होती है जो किसी कानून में नहीं है। मतलब ऐसा किसी कानून में नहीं लिखा हुआ कि महिला टॉप पर नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी बहुत कम महिलाएं कॉरपोरेट वर्ल्ड में टॉप पर जाती हैं और एक लेवल के बाद उनकी प्रमोशन नहीं होती। तो ये ग्लास सीलिंग है, इनविजिबल बैरियर है। और भी बहुत सारी बातें निकल के आई इस इंडेक्स में, लेकिन उन बातों पर प्रीलिम में क्वेश्चन नहीं बनता है। जैसे देखो, जितने लोगों से सर्वे कंडक्ट किया गया था उनमें से आधे लोगों का ये मानना है मैन जो हैं वो ज़्यादा अच्छे पॉलिटिकल लीडर हैं। जितने लोगों से सर्वे कंडक्ट किया गया था उनमें से 40% से ज़्यादा लोगों का ये मानना है कि मैन जो हैं वो बेटर बिजनेस एग्जीक्यूटिव होते हैं। इवन 28% ने तो ये भी कहा कि मैन अगर अपनी वाइफ को पीटते हैं तो ये जस्टिफाइड है। आप इन चीज़ों को मेंस में कोट कर सकते हो अपने आर्गुमेंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए कि सिचुएशन अभी इंप्रूव नहीं हुई है। हाल ही में ये इंडेक्स रिलीज किया गया था, उनमें ये बातें निकल के आई हैं। एग्जाम्पल के लिए आप जो मूवी आई थी थप्पड़ मूवी, इसको भी कोट कर सकते हो। ऐसे में देखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो आपकी UPSC के सिलेबस की बातें हैं वही लिखनी है। निबंध में आप डेली लाइफ की चीज़ें, जो कुछ आप देखते हो, एक्सपीरियंस करते हो, चाहे वो मूवी हो और कोई डेली लाइफ की चीज़ हो, उन सबको कोट कर सकते हो। बल्कि और ज़्यादा ओरिजिनलिटी आती है इन सब चीज़ों से ऐसे में। इसके बाद आर्टिकल रेड पांडा से संबंधित है। देखो रेड पांडा को हमने डिटेल से डिस्कस किया था पिछले हफ्ते। कंटेक्स्ट ये है, ट्रैफिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम जानेंगे इस आर्टिकल में। ट्रैफिक ऑर्गेनाइजेशन ने यह पाया है कि दूसरे एनिमल्स के लिए जो जाल बिछाया जाता है उसमें रेड पांडा फंस रहे हैं। जैसे मस्क डियर और वाइल्ड पिग्स, इनके लिए जाल बिछाते हैं और उन जाल में फंस जाते हैं रेड पांडा। तो रेड पांडा के बारे में हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था। ट्रैफिक के बारे में हम जान लेते हैं। ट्रैफिक के बारे में UPSC ने क्वेश्चन पूछा था 2017 में। ट्रैफिक एक लीडिंग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम है
वाइल्ड लाइफ ट्रेड को मॉनिटर करना, मतलब वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स में जो ट्रेड होता है उसे मॉनिटर करना ताकि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके, वाइल्ड एनिमल्स या फिर प्लांट्स जो हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर किया जा सके। ये जॉइंट प्रोग्राम है WWF और IUCN का, IUCN जिसके द्वारा रेड लिस्ट जारी की जाती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्रिएट किया गया था ट्रैफिक को 1976 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम में। ट्रैफिक ऑर्गेनाइजेशन देखो फोकस करती है रिसोर्सेज, एक्सपर्टीज और अवेयरनेस का इस्तेमाल करके जो ग्लोबली अर्जेंट स्पीसीज का ट्रेड है, जैसे टाइगर पार्स, एलिफेंट, आइवरी और राइनो हॉर्न, इन सब का इलीगल ट्रेड रोका जाए ताकि इन एनिमल्स को मारने से बचाया जा सके और इनकी अच्छी खासी संख्या सुनिश्चित की जा सके। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया ट्रैफिक के बारे में। अब क्वेश्चन देख लीजिए आप ट्रैफिक के बारे में। दो स्टेटमेंट्स हैं ट्रैफिक से संबंधित। पहली स्टेटमेंट, मिशन है ट्रैफिक का ये इंश्योर करना वाइल्ड एनिमल्स में जो ट्रेड होता है या फिर वाइल्ड प्लांट्स में जो ट्रेड होता है इससे नेचर की कंजर्वेशन को खतरा ना हो। दूसरी स्टेटमेंट, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है? दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है सी। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स से संबंधित है। क्या कंटेक्स्ट है? नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स का चौथा एडिशन ऑर्गेनाइज किया। ये जो अवार्ड्स हैं ये नीति आयोग का इनिशिएटिव है ताकि इंडिया की वुमेन लीडर्स या फिर जो चेंज मेकर्स हैं उनके प्रयासों को रिकॉग्नाइज किया जा सके, उनके प्रयासों को अप्रिशिएट किया जा सके ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन लीडर्स सोसाइटी में चेंज लाने के लिए काम करें। 2018 से ये अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। नीति आयोग के तत्वाधान में एक प्लेटफॉर्म है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के द्वारा। ये प्लेटफॉर्म जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करता है और ये प्लेटफॉर्म नीति आयोग के अंडर आता है। तो ये जो समारोह होता है इसे होस्ट किया जाता है इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। चौथा एडिशन ऑर्गेनाइज हुआ और ये अवार्ड्स दिए गए वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स। इस प्लेटफॉर्म के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। 8 मार्च 2018 को इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था। ये अपनी तरह का पहला प्लेटफॉर्म है। मैंडेट इस प्लेटफॉर्म का ये है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन दोनों के बीच कोलाब्रेशन इस्टेब्लिश किए जाए और दोनों को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और उस प्लेटफॉर्म पर वुमन फोकस्ड एंटरप्रेन्योरशिप जो स्कीम्स हैं उनकी भी लिस्टिंग हो या फिर और कौन कौन से प्रोग्राम्स सरकार चला रही है वुमन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए, उनकी लिस्टिंग हो, उन प्रोग्राम्स के बारे में वुमन एंटरप्रेन्योर्स को बताया जाए, इवन बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो भी बताई जाए वुमन एंटरप्रेन्योर्स को, कैसे आप इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करके ग्रोथ अचीव कर सकते हो। तो ये सब काम है इस प्लेटफॉर्म के। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 5 इश्यूज को डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।